हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। बच्चों कैसे हैं सब बच्चे? यस, हाउ आर यू गाइस? मैम आई हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट करके जाएंगी आपको, नीट के दो कदम नज़दीक लेकर ही जाएंगी। मेरे आने का सिर्फ यही पर्पज़ होता है बच्चों, एवरी डे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप अपने ड्रीम की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते जाएं, और इसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इतनी सारी सीढ़ियां लास्ट में आपके लिए एक स्टेप बन जाएगा, बच जाएगा, दैट इज़ जस्ट टू अपियर इन द एग्जाम, बिकॉज सारी नॉलेज आपको धीरे धीरे उन स्टेप्स के थ्रू अनअकैडमी नीट के द्वारा मिलती रहेगी। यस, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून चल रहा है, अभी इवनिंग का हुआ है। देखो हमारी क्लास ऐसी है, चालू तो होती है आफ्टरनून में, लेकिन चालू होते होते क्या बन जाती है, फिर इवनिंग वाली बन जाती है, राइट बेटा? है ना, चालू होती है आफ्टरनून में, बट लेटर ऑन इट बिकम्स काइंड ऑफ इवनिंग क्लास, है ना। गुड आफ्टरनून, और जब वापस जाएंगे बच्चे तब कर लेंगे गुड इवनिंग, ठीक है? वापस जाते जाते वी विल डू गुड इवनिंग। सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद द मोस्ट एंटिसिपेटेड चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, मैंने आपको बताया हुआ है। वन क्वेश्चन फ्रॉम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मस्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स, जो हम आज करेंगे कल भी करेंगे, एंड थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम कॉर्डेट्स, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो हमने अपना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तैयारी हम आज करने वाले हैं। कल हमने एक और फाइलम भी कर लिया था साथ में, अलॉन्ग विद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैड ऑल्सो डन फाइलम नंबर वन, द सिंपलेस्ट वन, जिसकी बॉडी में छेद ही छेद थे बच्चों, है ना। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट, लेकिन हमने समझ लिया कि कौन से इनहेलेंट पोर्स हैं और कौन से एक्सहेलेंट पोर्स हैं। पॉरीफेरा वी हैड डन यस्टरडे, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे नाइडेरिया, देन वी विल टॉक अबाउट, सीरीज आपको याद होनी चाहिए, उसी सीरीज में पढ़ेंगे नाइडेरिया, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीनोफोरा, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लैटीहेलमिंथेस, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असेकहेलमिंथेस, एसके बोल लो, चलो कुछ भी बोल लो, एसके हेलमिंथेस, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनेलिडा, एंड देन ऑर्थ्रोपोडा। अब आपको लगेगा यार इतना सारा कैसे एक दिन में, बस यही है क्वालिटी, है ना, क्योंकि बच्चे ये एक क्रैश कोर्स है। यहां मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने डिटेल में इन सब चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो क्रश तो नहीं करेंगे तुमको, क्रैश कोर्स की फॉर्म में आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दीज फाइलम्स। यस, तो कल का आपने रिवाइज किया कि नहीं किया बता दो मैम को, कल का टॉपिक आपने रिवाइज किया कि नहीं किया? बहुत जरूरी है रिवाइज करना यार, अगर आप नोट्स नहीं देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, आजकल ये जो दो तीन लोग नोट्स बनाते थे कहाँ हैं वो लोग? हाँ, कुछ बच्चे मेरे साथ नोट्स भी शेयर करते हैं, आई रियली फील सो गुड टू सी योर एफर्ट, ठीक है। और एनिमल किंगडम तो ऐसा फाइल है बच्चों, नहीं लिखोगे तो कभी नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो प्लीज़ लिख लिख के याद किया करो, लिख लिख के। और अब तो आई नो फेस्टिव सीजन इज कमिंग, आप लोग अभी घर में गुजिया वगैरह तो नहीं बना रहे थे, हैं को गुजिया बना रहे हैं, मटरी बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, है ना, मुझे लग रहा है तुम लोग उसमें लगे हुए हो, और यहाँ पर एनिमल किंगडम की बातें कम चल रही है और ये बातें ज़्यादा चल रही है, कितना मैदा चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों? देखो नीट एक ही बार ही आता है, होली हर साल आएगी, राइट। सो माई नेम इज सी पहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट। आप एवरी डे मैम को यूट्यूब पे देखते हो 3:30 PM एंड स्पेशल क्लास में एट 6 PM, समटाइम्स इन द मॉर्निंग एट 10 AM, और प्लस क्लास अपनी होती है सुबह 11 बजे। यस बच्चे, चलिए। सो आपको पता है यही एक ऐसा चैनल है जहां पर जो कोर्स शुरू हुआ है वो हम कंप्लीट भी कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पे हम लोग बिल्कुल जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन यू आर गेटिंग ऑन दिस चैनल, सो व्हाई नॉट टू सब्सक्राइब इट, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि इसी पर आपको मिलती है सारी हैंड रिटन नोट्स, और एवरी डे आपको डीपीपी मिल रही है। बच्चे पहले कह कह के थक गए कि मैम डीपीपी कहाँ है, डीपीपी कहाँ है, अब तो बच्चों तुम्हें डीपीपी मिल रही है, अब कोई बहाना नहीं है तुम पे, एवरी डे यू आर getting DPPs, so फटाफट से पहुंच जाओ इस टेलीग्राम चैनल पर, राइट। हैंड रिटन नोट्स भी मैं यहीं पर शेयर करती हूँ, एंड देर आर सर्टन बैचेस विच आर स्टार्टिंग फॉर प्लस, लाइक 2022 के लिए अर्ली एंथ्यूज बैच, एंड 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्पेशली एक बैच चल रहा है, तो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं डेफिनेटली बच्चों। जो बच्चे कौन है, ओके व्हाट हैपेंड, यस, सो एनरोल करने के लिए बच्चे आपको कोर्स का ड्यूरेशन चूज करना होगा। अगर तो आप 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं इस मंथन कोर्स में, तो आपके लिए बेस्ट वैसे रहेगा, अभी एक ऑफर चला था 3 मंथ में 4.5 मंथ, बहुत बच्चों ने ले लिया, बहुत बच्चों ने,
अब जो नहीं लिया तो फिर लो अब 6 मंथ, क्या कह सकते हैं तुम लोग, लेट हो गए, ठीक है लेट हो गए, अब लेना पड़ेगा तुमको 6 मंथ। एंड बेटा लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है अपनी तैयारी में, यहीं से बच्चे आप थोड़ा सा भीड़ से अलग से कुछ करोगे, अदरवाइज भीड़ तो कर ही रही है ना, जैसे वो जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो एक्स्ट्रा बच्चे आप यहाँ पर कर सकते हो, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट ऑथर्स, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेटा डीपीपीज के साथ, क्विजेस के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ आपको यहीं पर मिलता है। और अगर बेटा आप 2022 को एम कर रहे हो तो 1 ईयर, और 11th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड दैट यू हैव स्टार्टेड अर्ली, यू शुड गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। एंड दिस इज अवर आस्क अ डाउट फीचर गाइज, जिसमें आप यू नो फ्री में डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी हैज गॉट अ न्यू फीचर जिसमें यू जस्ट हैव टू क्लिक द पिक ऑफ योर डाउट, अपलोड इट एंड गेट द सोल्यूशन। यही तो सबसे बड़ा बैगेज होता है, यही तो दिक्कत होती है हर बच्चे के साथ कि यार मेरे डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे, तो यहां पर यही डाउट सॉल्विंग की तुम्हारी इशू सॉल्व होगा। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, है ना, आज चल रहा होगा, कुछ बच्चे दे भी रहे होंगे। एंड बेटा स्पेशल क्लास बाय टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आपको यहीं पे मिलता है। अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो, एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा, कितने बजे, 11 बजे सुबह 11 बजे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपसे क्या पूछेंगे, कोड पूछेंगे, कोड आप डाल देना, मैम का कोड रहेगा सीप लाइव। ओके चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले कल के मंथन के बारे में सबको पता है, टुमारो वी हैव टेस्ट गाइस, कल के बारे में सबको पता है कि नहीं पता, यस मनोज, श्रद्धा, नैन्सी, एप्पल पाई, फ्यूचर डॉक्टर लिली, यस कल के आपके मंथन के टेस्ट में क्या आ रहा है वो आपको 2-3 दिन पहले से सिलेबस पता चल चुका है। कल बेटा मैं आपको अपना वाला सिलेबस दोबारा बता दूं, इट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये टेस्ट होता है एवरी सैटरडे 3 बजे। अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया, स्टिल यू हैव गॉट चांस, फ्री टेस्ट है, अनअकैडमी की ऐप में जाओ, टेस्ट सेक्शन में जाओ, एनरोल कर लो, नाम मिल जाएगा मंथन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कल मैं आपको तैयारी कराऊंगी, जैसे मैं हर बारी कराती हूँ। सो कल बेटा हम मिलने वाले हैं सुबह 9 बजे, हम एनसीईआरटी करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि मैम का प्रॉमिस है कि जो जो चैप्टर आपका मंथन में होता जाएगा उसकी हम साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड करते जाएंगे, और उसकी टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, और डीपीपी भी डिस्कशन हो जाएगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कल का 9 बजे का सेशन मत मिस करना, राइट बच्चों। चलिए नाइडेरिया टू ऑर्थ्रोपोडा, शुड वी स्टार्ट, कल में से एक सवाल पूछ लूं, कल में से बच्चों आर यू रेडी टू गिव मी आंसर्स, कल होगी, अब ऋषभ शुक्ला आज तो नहीं, कल होगी मॉर्निंग में 9 AM स्पेशल क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, ठीक है, यस हाँ जी। वन क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज क्लास, जिसने कल की क्लास लगाई है उसको आता होगा। ओके सो द क्वेश्चन इज बच्चों, सो द क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट, आपको क्या बताना है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम हैविंग बायलेटरल सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, हां जी बताइए, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम विच इज हैविंग बायलेटरल सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पहली बार आई और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पहले नंबर पे है, कम ऑन गाइज बताइए फास्ट, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। ओके किसने दिया है करेक्ट आंसर, वी हैव टीजी, आकाश, डॉली, सूरज, वेदांत, रोशन, मुस्कान, नरगिस, पूनम विद द राइट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चों, कौन आएगा यहाँ पर, आपके फ्लैटवर्म्स आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्लैटी हेलमिंथिस। अच्छा वो वाली स्पॉन्ज का नाम बताओ विच इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान, ओके गाइस टेल मी द नेम ऑफ द स्पॉन्ज विच इज गिवन एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान, तोहफा देते हैं जिसको, है ना, एक न्यूली वेड कपल को कौन सी स्पॉन्ज का तोहफा दिया जाता है। ओके क्वेश्चन चेंज हो चुका है गाइस, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले आंसर दिया गरिमा ने, बिल्कुल दैट इज गोइंग टू बी यू प्लेक्टेला विच इज वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है वीनस फ्लावर बास्केट, बिल्कुल ठीक, मतलब कल की पढ़ाई तुम करके आए हो, यस चलिए सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज नेक्स्ट फाइलम। अब
तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर पॉरीफेरा हो गया तो अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा आपके नाइडेरिया का. सो द नेक्स्ट फाइलम इज गोइंग टू बी नाइडेरिया. नाइडेरिया का निकनेम, या फिर मैं बोलू नाइडेरिया तो चलो निकनेम था, इसका एक दूसरा नाम भी है. इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंटरेटा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा सीलेंटरेटा. एंड देर इज अ रीजन कि इसका निकनेम नाइडेरिया क्यों रखा गया. भाई हम कल बात कर रहे थे ना कि अगर किसी का निकनेम छोटू है, किसी का गोलू है, तो वो किसी रीजन की वजह से, क्योंकि शायद उनका चेहरा गोल था, शायद वो छोटे होते छोटे दिखते थे इसीलिए उनको छोटू बोल दिया, उनकी हाइट छोटी रह गई थी. सो जब भी निकनेम आता है तो किसी रीजन की वजह से आता है. यहाँ पर भी हम रीजन पढ़ेंगे कि वाई सीलेंटरेट्स दे आर निकनेम्ड एज नाइडेरिया. इनका नाम नाइडेरिया क्यों रखा, आधे बच्चों को तो पता भी है, उन्होंने आंसर भी दे दिया. तो सबसे पहली चीज बच्चे, नाइडेरियंस जो है, सीलेंटरेट्स जो है, दे मोस्टली लिव इन वॉटर. कहाँ मिलेंगे बच्चों आपको? पानी के अंदर मिलेंगे. नाउ दे कुड आइदर बी मरीन वॉटर और दे कुड बी बच्चों फ्रेश वॉटर. सो दोनों टाइप के मिल जाएंगे. यू विल फाइंड देम इन फ्रेश वॉटर, यू विल फाइंड देम इन मरीन वॉटर. जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रेश वॉटर में जो आपको सीलेंटरेटा मिलेगा, बहुत ही फेमस बच्चों, एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रा. दिस इज गोइंग टू बी फ्रेश वॉटर पॉलिप, फ्रेश वॉटर सीलेंटरेट. मरीन वॉटर में अगर आप ढूंढोगे तो कौन मिलेगा? यू मे फाइंड ओबेलिया, यू मे फाइंड बेटा फाइसेलिया. ठीक है, तो ये बात हो गई इनके हैबिटेट की, हैबिटेट की. अब जरूरी नहीं है कि अगर ये पानी में मिल रहे हैं तो तैरेंगे. यार पॉरीफेरा भी तो पानी में मिल रहे थे, वो भी क्या थे? वो तो थे अटैच टू सबस्ट्रेटम, बेस से इस तरीके से जुड़े हुए थे. इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो बच्चे बेस से जुड़े हुए हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? सेसाइल. और कुछ ऐसे हैं जो अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं, जो घूम घूम सकते हैं. ठीक है, फ्री स्विमिंग. सो दे कुड आइदर बी सेसाइल. सेसाइल का मतलब होता है बेस से जुड़े होना. कुछ इसमें क्या है? सेसाइल, जैसे आपका ये हाइड्रा. ठीक है, और दे कुड आइदर बी फ्री फ्लोटिंग. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर फाइसेलिया. ठीक है बेटा, सो ये बात हो गई कि दे कुड बी अटैच्ड और दे कुड बी फ्री फ्लोटिंग. फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन में भी मिलेंगे. और कुछ ऐसे बच्चों जो अकेले रहते हैं हाइड्रा की तरह, कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप्स में घूमते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोलोनियल लाइक ओबेलिया. यस बेटा, क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई सबको? सो हैबिटेट एंड हैबिट इज क्लियर. अब जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. चलो गाइस, तुम्हारी टर्न आ गई, तुम्हारी टर्न आ चुकी है. व्हाट इज देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था ना, सेलुलर. इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? दे आर गोइंग टू हैव, दे आर बेटा गोइंग टू हैव विच लेवल? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. गाइस यस, जनरल बेसिस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है नन्हे. दे आर गोइंग टू हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहली चीज, वॉट काइंड ऑफ सिमिट्री? सिमिट्री कैसी होगी? यार आपके पॉरीफेरा ए सिमिट्री थे, तो इनके पास कैसी सिमिट्री होगी? दे आर गोइंग टू हैव रेडियल सिमिट्री. हाउ मेनी जर्म लेयर्स? जर्म लेयर्स कितनी होंगी बेटा इनके पास? टू जर्म लेयर्स. सो दे आर एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक. अरे भाई, इनकी बॉडी है, बॉडी एक ट्यूब की तरह है. ट्यूब की कितनी ओपनिंग है बताओ? ट्यूब की कितनी ओपनिंग है? दैट मीन्स आई एम आस्किंग अबाउट देयर बॉडी प्लान. इज इट ब्लाइंड सैक और इज इट ट्यूब विद इन ट्यूब? कैसा बॉडी प्लान होगा गाइस? कैसा बॉडी प्लान होगा? कम ऑन, ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड सैक, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी प्लान यू कैन एक्सपेक्ट? बिल्कुल ठीक, दे आर गोइंग टू हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. सिंगल ओपनिंग है. अगर मैं आपको यहां पर हाइड्रा बनाकर दिखाऊं तो हाइड्रा इज एक्चुअली लाइक दिस, देख रहे हो, अटैच टू द सबस्ट्रैटम. और ऊपर वाली साइड इसको हाइपोस्टोम में, हाइपोस्टोम मतलब जहां पर माउथ है, वहां पर इसको क्या मिलते हैं? इस तरीके से टेंटिकल्स. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ देयर माउथ. ठीक है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम. यस गाइस,
इसी माउथ से एंट्री, इसी माउथ से एक्सिट, है ना, यही काम कर रहा है माउथ का, यही काम कर रहा है एनस का. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी हैविंग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. बिल्कुल ठीक बच्चों. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बॉडी वॉल ऑफ सीलेंड्रेट. जैसे कल देखा था ना, उसकी बॉडी वॉल में क्या क्या था, पिनाकोडर्म थी, कोएनोडर्म थी, वैसे ही बेटा इसकी बॉडी वॉल में भी दो लेयर्स होती हैं. यहीं पर लेबल कर देते हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. जैसे मैंने ये बनाया, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस. देन बीच में मेसोग्लिया होगा, ये जो मैं डॉट 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 बना रही हूं ना, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है इसीलिए क्या प्रेजेंट होगा, जेली लाइक मटेरियल, विच इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया, है ना, दिस इज मेसोग्लिया. एंड बेटा इससे अंदर वाली साइड देयर इज गोइंग टू बी वन मोर लेयर ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रल लेयर, ठीक है, जो एंडोडर्म के द्वारा बनाई जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रल लेयर. एंड अंदर आ जाएगी ये कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. जैसे वहां पर कैविटी का क्या नाम था, रिलेट करते रहो अपने आप को, स्पॉन्जेस को भूलना नहीं है, साथ साथ में रिलेट करते रहना है. वहां पर कैविटी का नाम था पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जिसको हमने क्या बोला था, स्पॉन्जोसील. यहां पर द कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है. यस बेटा ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी. वहां पर नर्गिस क्या थी, कैविटी स्पॉन्जोसील थी, यहां पर द कैविटी इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. अब बहुत सारे तरीके के सेल एपिडर्मिस के पास हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होंगे, मस्कुलर सेल्स होंगे, सेंसरी सेल्स होंगे, सेक्स सेल्स होंगे. सेम वे बहुत सारे सेल्स किसके पास है, गैस्ट्रल लेयर के पास भी हैं. मतलब इनके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा सेल तो होगा जो टोटिपोटेंट होगा, जैसे स्पॉन्जेस में था. स्पॉन्जेस में टोटिपोटेंट सेल कौन सा था, चलो ये तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है अब कल वाले सेशन की. स्पॉन्जेस में टोटिपोटेंट सेल कौन सा था, इन स्पॉन्जेस द टोटिपोटेंट सेल वॉज, बिल्कुल ठीक कोई बोल रहा था, टोटिपोटेंट सेल वॉज, यस इट वॉज आर्क्योसाइट. सेम वे बच्चा लोग, इसमें भी देयर इज वन टाइप ऑफ टोटिपोटेंट सेल विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल सेल. इंटरस्टीशियल सेल्स, दीज आर टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ नाइडेरियंस, टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ नाइडेरियंस, राइट, ठीक है. अब बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की. यार खाना अंदर आया किस तरीके से, माउथ के थ्रू आया. Now when the food will enter in this space, gastrovascular cavity में थोड़ी digestion हो गई, half of the digestion will take place in this gastrovascular cavity. बची हुई digestion के लिए ये सारा सामान किसके पास चला जाता है, cell के पास चला जाता है. That means partially the digestion is taking place outside the cell and partially it is taking place inside the cell. बिल्कुल बच्चे, तो digestive system तो तुम्हें पता चल गया, क्योंकि blind sac body plan है तो digestive system इनका कैसा है, incomplete है ना. और अगर बात करें digestion की, अगर बेटा बात करें digestion की, then digestion is first extracellular, पहले होगी extracellular and then बेटा intracellular. Yes, so पहले क्या होगी, बाहर cavity में, फिर वो आधी हुई है, पूरी नहीं हुई, फिर बच्चों सेल के अंदर चला जाएगा. बाकी की डाइजेशन कहाँ पर होगी, इंट्रासेलुलर. अजीम इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग. डाइजेस्टिव सिस्टम में जब अगर एक ही ओपनिंग हो तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट. अगर दो ओपनिंग्स हो जिसमें एक से एंट्री दूसरे से एग्जिट, दैट इज कॉल्ड एज कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, तो इट इज बोथ इंट्रा एक्स्ट्रा, ऐसे भी सवाल आता है, और ऐसे भी आता है कि फर्स्ट इंट्रा देन एक्स्ट्रा और फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा. सो आपको याद रखना, पहले खाना अंदर आया कैविटी में, पहले वहां होगी, फिर कहां जाएगी, सेल के अंदर जाएगी. यस बेटा, क्लियर रहेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में. अब इनका निकनेम नाइडेरिया किस वजह से डला था उसके बारे में बात करते हैं. इनका निकनेम नाइडेरिया इस वजह से डला था बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बेटा विच आर कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट.
स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दे आर कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, और बेटा इसको आप बोल सकते हो नाइडोसाइट्स. द अदर नेम इज नाइडोसाइट. अब ये सेल क्या चीज है? ये सेल बच्चे एक स्पेशल टाइप का सेल है, इस तरीके से. यस, दिस काइंड ऑफ सेल देख रहे हो, ब्यूटी देखो बच्चों, स्पेशल तरीके का सेल है जो इनके टेंटिकल्स में पाया जाता है. राइट, दिस सेल हैज गॉट अ स्टिंगिंग कैप्सूल. ये पूरा सेल है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट, इसके पास एक कैप्सूल है. दिस कैप्सूल जो स्टिंग कर सकता है ना, दैट इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट. क्या नाम है इस कैप्सूल का? नेमेटोसिस्ट. ठीक है, अब इस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है? दिस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अ बट लाइक स्ट्रक्चर. ये ऐसे मोटा सा जो स्ट्रक्चर है, शाफ्ट है, इसकी बट है. देन बच्चे नीचे क्या बना लेता है? एक ट्यूब बना लेता है, जिसको आप बोलते हो थ्रेड ट्यूब. क्या बोलते हो इसको? दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड ट्यूब. ये मैंने क्या बनाई है? थ्रेड ट्यूब बनाई है. सो दिस इज थ्रेड ट्यूब. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द बट और द शाफ्ट. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑपरक्यूलम. एंड यहां पर प्रेजेंट है बेटा एक सेंसरी स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो नाइडोसिल. यहां पर बेटा इस सेल का न्यूक्लियस होगा और ये लासो से इस तरीके से ऐसे अटैच होता है. यस बेटा, एंड यहां पर आपको कुछ फाइब्रिल भी मिल जाएंगे. लेट मी ड्रॉ इट. पहचान रहे हो इस सेल को? ये सेल कौन है? ये सेल वो है जो दुश्मन को हिप्नोटाइज कर सकता है. ये सेल बेटा वो है जो दुश्मन को पैरालाइज कर सकता है. ये सेल वो है जो इनको कहीं भी चिपकने में हेल्प करेगा. सो दीज सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, वन फॉर एंकरेज, जुड़ने के लिए. सेकेंड बेटा डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए. तीसरा ऑफेंस, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे. अगर इनको किसी चीज को खाना है तो क्या करेंगे ये बेटा क्या करेंगे? थ्रेड ट्यूब को बाहर निकालेंगे. थ्रेड ट्यूब बच्चे ऐसे घूमती हुई बाहर जाएगी, होता नहीं रस्सी जाती है ऐसे पकड़ के लेके आ जाती है, बस वही है. थ्रेड ट्यूब को बाहर फेंकेंगे, थ्रेड ट्यूब में से निकलेगा एक पॉइजन विच इज हिप्नोटॉक्सिन, जो सामने वाले को क्या कर देगा? पैरालाइज. पैरालाइज हो गया तो भाई कुछ भी करना चाहो उससे कर लो, खाना है खा लो, नहीं तो छोड़ के जाना है छोड़ के चले जाओ. सो दिस काइंड ऑफ वर्क विच इज डिफेंस एंड ऑफेंस इज डन बाय दिस नाइडोब्लास्ट, जिसमें से स्टिंगिंग कैप्सूल की थ्रेड ट्यूब निकलती है. अब बच्चे लेकिन एक बार अगर तुमने थ्रेड ट्यूब निकाल दी, हिप्नोटॉक्सिन चला गया, वो थ्रेड ट्यूब तुम वापस नहीं ले सकते. तो एक बार अगर तुम्हारा नाइडोब्लास्ट तुमने डिस्चार्ज कर दिया तो बच्चे वो वेस्ट है, खत्म, नया बनाओ. अब तो उसके रेमिनेंट बच्चे आ जाएंगे फिर से इसकी मेसोहाइल लेयर में, और वहां पर जाकर इंटरस्टिशियल सेल नए नाइडोब्लास्ट बनाने में उसको यूज कर लेंगे. यस, सो वंस इट इज डिस्चार्ज्ड इट कैन नॉट बी टेकन बैक. तो कौन सा पॉइजन निकलता है इसमें से? द पॉइजन इज हिप्नोटॉक्सिन. ठीक है, क्या नाम है पॉइजन का? हिप्नोटॉक्सिन. एंड वंस डिस्चार्ज्ड cannot be taken back. मतलब एक सेल को आप एक ही बारी यूज कर सकते हो. अब ये किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? देखो अगर इनके पास कोई भी चीज आती है ना तो नाइडोसिल को टच करेगी. नाइडोसिल को टच करेगी तो इनके अंदर ना पानी भरता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. जैसे इनके अंदर सेल के अंदर पानी भरेगा, ये फटाफट से क्या करेंगे? थ्रेड ट्यूब को डिस्चार्ज करेंगे और सामने वाले को क्या कर देंगे? घायल कर देंगे. क्या करेंगे बेटा? ये घायल कर देते हैं. जब सामने वाला घायल हो गया तो भाई तुम जीत गए, है ना? जो करना है करो इसका. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ओनली दिस फाइलम. सिर्फ आपको नाइडेरिया में ही नाइडोब्लास्ट मिलेंगे, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है? नाइडेरिया, याद रहेगा. सो द सेल इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, जो आपको मिलता है टेंटिकल्स पर. एंड सेल के अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल है उसको बोला जाता है नेमेटोसिस्ट. याद रखना है, कैप्सूल इज नेमेटोसिस्ट, सेल इज नाइडोसाइट. ठीक है, सेल में सिस्ट नहीं आ रहा है, सेल में साइट आ रहा है या फिर ब्लास्ट आ रहा है. लेकिन स्टिंगिंग कैप्सूल क्या है? नेमेटोसिस्ट बेटा. ओके डन. तो फंक्शन बता दो, तीन फंक्शन जो मैंने आपको बताए हैं.
पहला फंक्शन चिपकने के लिए, दैट इज एंकरेज, ठीक है। दूसरा फंक्शन डिफेंस, अपना बचाव करने के लिए। तीसरा फंक्शन ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस मतलब कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। ये सारे काम किसके रहेंगे? स्नाइडो ब्लास्ट के, जो कि प्रेजेंट है इनके टेंटिकल्स पर। अब एक और यूएफए इनका यूनिक फीचर है जो आपको किसी और फाइलम में हम नहीं पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स एंड ऑल्टरनेटिंग बिटवीन दीज टू बॉडी फॉर्म। देखो जो नाइडो ब्लास्ट है ना, उसमें दो तरीके की बॉडी फॉर्म्स हो सकती है। एक तो ऐसी बॉडी फॉर्म है जिसमें बेटा वो ऐसे बेस से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस, ऊपर इनके टेंटिकल्स हैं और ये यहाँ पर नीचे बेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये खुद मूव नहीं कर सकता, नो, ओनली टेंटिकल्स की हेल्प से ये इधर उधर घूम रहा है। सो दिस काइंड ऑफ बॉडी फॉर्म विच इज हैविंग टेंटिकल्स ऑन द अपर साइड एंड विच इज सेसाइल, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिप। इस बॉडी फॉर्म को क्या बोलोगे? पॉलिप। एक और बॉडी फॉर्म है विच इज लाइक दिस, अम्ब्रेला शेप, दिख रहा है अम्ब्रेला शेप, जिसके टेंटिकल्स नीचे की तरफ है, दीज आर द टेंटिकल्स। सो ये तो फ्रीली फ्लोटिंग है, इसको क्या बोलते हो? मेड्यूसे बोलते हो। सो देयर आर टू बॉडी फॉर्म गाइज, वन इज कॉल्ड एज पॉलिप, अदर वन इज कॉल्ड एज मेड्यूसे। पॉलिप मतलब जो कि बेटा जुड़ा हुआ है बेस के साथ इस तरीके से, इसके टेंटिकल्स आपको ऊपर वाली साइड पर मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस फॉर्म इज सेसाइल, है ना, ये बेस से जुड़ी हुई है। दूसरा बॉडी फॉर्म है आपका मेड्यूसे, देख रहे हो इस तरीके से, जिसके टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इसके टेंटिकल्स ऊपर, इसके टेंटिकल्स डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी, हाँ जी, कैसी? फ्री फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म। ये खूब घूम रही है, इसको कोई रोक टोक नहीं है, अपना घूमे जा रही है इधर उधर इधर उधर। तो यार कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओनली पॉलिप फॉर्म। कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो ओनली मेड्यूसा है। कौन है वो? कौन है ओनली पॉलिप वाला? कौन है ओनली पॉलिप वाला? बेटा है हाइड्रा, और कौन है? अडेम्सिया, ठीक है। They will exist in only polyp form. Only medusa वाला कौन है? Only medusa वाला है बच्चे Aurelia, जिसको तुम क्या बोलते हो? Jellyfish. लेकिन कुछ cnidarians ऐसे हैं which can convert themselves, उनकी body form change हो सकती है, मतलब वो polyp से convert हो सकते हैं medusa में, मेड्यूसा से वापस कन्वर्ट हो सकते हैं पॉलिप में। अगर पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको करनी पड़ती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम पॉलिप टू मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्रॉम मेड्यूसा बैक टू पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिड यू गेट दिस पॉइंट? कि कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे कीप ऑन अल्टरनेटिंग। उनकी लाइफ देखोगे ना, उनकी लाइफ की हिस्ट्री देखोगे, दे विल कीप ऑन अल्टरनेटिंग बिटवीन दीज टू बॉडी फॉर्म्स। दोज नाइडेरियंस आर सेट टू बी हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटाजेनेसिस। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा इनके पास? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होता है? Alteration of generation. साथ साथ बोलो बेटा, क्या मतलब होता है Alteration of generations? That means they can alternate, they can change, they can convert their polyp form into medusa and medusa back into polyp. Second property is कि यार इनके पास दो अलग अलग तरीके की body form present है, तो यार दो अलग अलग तरीके की forms, forms के लिए word use होता है मॉर्फ। क्या वर्ड यूज होता है? मॉर्फ। अगर एक से ज्यादा मॉर्फ हो तो क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी दैट दे हैव इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब एग्जांपल पूछी जाती है पेपर में कि कौन से ऐसे नाइडेरियन है, हां जी शैली कुमारी, कौन से ऐसे नाइडेरियन है जो पॉलिप में भी है मेड्यूसा में भी है, मतलब एक तो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो अल्टरनेट करते रहते हैं मतलब मेटाजेनेसिस करते हैं। द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी, हाँ जी दो एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा आप, वन इज गोइंग टू बी ओबेलिया,
other one is going to be Physalia. These are those cnidarians which can show metagenesis. These are those cnidarians which show polymorphism. Is this clear, guys? Very important from cnidaria. बहुत important है. हाँ जी बच्चों बताइए. एक एक word का मैंने आपको मतलब समझाया. Clear? Yes, yes, guys. Done. Polymorphism clear? है ना? Polymorphism clear. अब बता दो बेटा इनकी digestion, इनके digestion के बारे में हमने बात कर ली. अब बात करते हैं इनके skeleton के बारे में. हाँ जी. Come on. Talking about their skeleton. Skeleton में बेटा हम करते हैं skeleton of corals. Corals का जो skeleton है, that is made up of, हाँ जी, calcium carbonate. CaCO3. Simple. Yes. Done. So with this, bache, we are done with the important points related to cnidaria. अब बेटा हम चलते हैं next phylum पे. Next phylum का नाम बता दो. Next phylum का नाम बताओ. Come on guys. Porifera, cnidaria. तीसरा नंबर इसका भाई, छोटा भाई बच्चों, जो कॉपी करता है इसको. हाँ जी, छोटा भाई, बिल्कुल कॉपी कैट है, एक्सेप्ट वन चीज में, बाकी बिल्कुल कॉपी कैट है. दैट इज कॉल्ड एज टीनोफोरा. राइट आशीष. सो फाइलम नंबर 3 इज कॉल्ड एज टीनोफोरा, है ना, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनका दूसरा नाम भी है, दैट इज सी वॉलनट्स. समुद्र के अखरोट हैं बच्चों. क्या हैं ये? समुद्र के अखरोट हैं. और क्या नाम है इनका? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कूम्ब जेलीज. ठीक है, दे आर द कूम्ब जेली. सी वॉलनट्स एंड द कूम्ब जेली. समुद्र के अखरोट याद रहेगा. यस बच्चे, समुद्र के अखरोट हैं ये. चलिए, तो सबसे पहली चीज बच्चों, पहली चीज ये है कि यार ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, समुद्र के हैं, है ना. But they are only found in marine water. Very important point. Exclusively marine phylum है बच्चों ये. कोई भी आपको fresh water में नहीं मिलेगा. So they are first exclusively marine. Yes बेटा, exclusively marine. Their body में क्या present होगा? देखो बेटे, इनकी body ऐसी होगी. ये स्ट्रक्चर बना दिया, राउंड सा स्ट्रक्चर. एंड देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 8 मीडियनली अरेंज कूम्प्लेट्स. क्या प्रेजेंट है? कूम्प्लेट्स. कितनी? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो देयर आर 8 कूम्प्लेट्स. सिंस बेटा इनके पास कूम्प्लेट्स हैं, और कैसी? सीलिया वाली. देख रहे हो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा हर कूम्प्लेट पे? सीलिया. सो दीज कॉम्प्लेट्स, दे आर सीलिएटेड. अच्छा, फंक्शन बताओ सीलिया का क्या काम होगा? सीलिया का बेटा क्या काम होगा? अगर कॉम्प्लेट्स पे सीलिया है तो क्या करेगा ये सीलिया? क्या लगता है क्या करेगा ये सीलिया? यस, सोच के बताओ. बिल्कुल ठीक मनोज, सीलिया तो हमेशा क्या करता है यार? सीलिया हमेशा क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है ना. सो दीज कॉम्प्लेट्स, दे आर गोइंग टू हेल्प इन द लोको मोशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, दे ऑल्सो हैव टेंटिकल्स. और अगर इनके पास टेंटिकल्स हुए तो कितने होंगे? दो ही होंगे. टेंटिकल्स के पास स्पेशल एंकरेज वाले सेल्स हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? कॉलोब्लास्ट. सो दीज आर टेंटिकल्स एंड द सेल्स आर कॉल्ड एज कॉलोब्लास्ट. तो ये है बच्चे आपका प्लूरोब्रेकिया, मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा. चलिए और बताओ भाई, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इनकी भैया की तरह. बड़े भैया कौन है? बड़े भैया है नाइडेरिया. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? टिश्यू लेवल, है ना. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री कैसी रहेगी? रेडियल, बिल्कुल भैया जैसी, है ना. बाय रेडियल भी बोल सकते हो, रेडियल सिमेट्री. नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी रहेंगी? बिल्कुल सेम उनकी तरह. दैट इज गोइंग टू बी डिप्लोब्लास्टिक. दूसरी चीज कि यार बॉडी प्लान कैसा है? एनस है, माउथ है, दोनों है, या एक ही है? एक ही है. ठीक है. सो दे ऑल्सो हैव गॉट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. लेकिन एक चीज इनके भाई से बिल्कुल मैच नहीं करती. देयर इज वन थिंग. मुझे सोच के बताओ सब बच्चे, क्या कोई गेस कर सकता है कि कोई एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है जो नाइडेरियंस में होगी इनके पास नहीं होगी? यस, कम ऑन गाइज, वो स्पेसिफिक चीज कौन सी है?
स्पेसिफिक चीज कौन सी है जो नाइडेरियंस के पास है लेकिन इनके पास नहीं है? नाइडेरियंस के पास है नरगिस, आई एम सेइंग उनके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, तो ऐसा क्या है जो उनके पास है? बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है उनके पास, नहीं है, नो नो, बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया, दैट इज एनआर, एनआर हैज गिवन द राइट आंसर, एक वो चीज है जो उनके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, दैट इज नाइडोब्लास्ट, दे डोंट हैव नाइडोब्लास्ट। बच्चों नाइडोब्लास्ट सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? आपके नाइडेरियंस की है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, नो नाइडोब्लास्ट, यस बच्चे नो नाइडोब्लास्ट। बाकी बहुत सारी चीजें इनकी उन्हीं की तरह चल रही हैं, लाइक डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन इज गोइंग टू बी फर्स्ट नंबर एक्स्ट्रा सेल्युलर फॉलोड बाय इंट्रा सेल्युलर। नेक्स्ट थिंग दैट दे शो द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, इनकी बॉडी में से लाइट निकल सकती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी बाय विच दे विल एमिट लाइट, इट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों कि इनके पास एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर भी है विच इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या है इनका? बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग के लिए प्रस्तुत है। यस बेटा समझ आया बिल्कुल, हाँ जी यस। अगर इनकी बॉडी वॉल में से ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर आपको लाइट एमिट होती हुई दिख जाए, दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे आपने देखा होगा जुगनू में, यस जुगनू इज ऑल्दो नॉट 1904, बट आपने जुगनू है ना वो देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है? लाइट एमिट होती है, सो दैट प्रॉपर्टी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट छोड़ सके, दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। अच्छा तो अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, दे आर एक्चुअली हर्मेफ्रोडाइट। इनकी एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, मतलब दोनों के गैमेट्स एक ही बॉडी से बन रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली हर्मेफ्रोडाइट, बट they will never ever show asexual reproduction। देखो नाइडेरियंस में तो तुम पहचानते हो, नाइडेरियंस में यू नो कि कैसे रिप्रोडक्शन हो सकती है, हाइड्रा की बॉडी को मल्टीपल टाइम्स कट करोगे कैसे रिप्रोडक्शन हो जाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है रीजनरेशन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो नाइडेरिया का तो क्लियर था दे वर परफॉर्मिंग सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। लेकिन अगर बात करें आपके टीनोफोरा की, दे विल ओनली परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस बेटा, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा इज गोइंग टू बी प्लूरोब्रेकिया, है ना, प्लूरोब्रेकिया, यस टीनोप्लेना। देन और एग्जाम्पल बताइए बच्चे, और एग्जाम्पल कौन से होंगे आपके? हॉर्मीफोरा इज गोइंग टू बी वन एग्जाम्पल, हॉर्मीफोरा। तो जो जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए ना, वो एग्जाम्पल आप जरूर करेंगे। जैसे नाइडेरिया में बात करूं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑरेलिया, ओबिलिया, फाइसेलिया विच इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सी पेन दैट इज पेनाट्यूला, सी फैन दैट इज गोरगोनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। यस बेटा टिप्स पे क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इनको ही क्या बोला जाता है? सी वॉलनट, स्कूम जेलीज, सी गूसबेरी, यस सेस्टम, बिरोई, ये सब क्या है आपके? टीनोफोर्स हैं। चलिए आगे जाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। सो विद दिस वी आर डन विद फाइलम नंबर 3 एज वेल। अब चलते हैं फाइलम नंबर 4 पे, ये तो चलो छोटा भाई था, अब आगे थोड़ी और एडवांसमेंट हो रही है। मूविंग ऑन टू फाइलम नंबर 4, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लैटीहेलमिंथीस। हाँ जी, कौन सा फाइलम है अपना? प्लैटीहेलमिंथीस। अच्छा, मीनिंग ऑफ वर्ड हेलमिंथ, हेलमिंथ क्या होता है? हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स। प्लैटी मतलब कैसे वर्म्स? दे आर एक्चुअली फ्लैट वर्म्स। कैसे वर्म्स है बच्चों? फ्लैट मतलब इनकी बॉडी ना बिल्कुल चपटी हुई है। चपटी का क्या मतलब होता है? बॉडी इज डॉर्सो
वेंट्रली फ्लैटर्ड, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट बॉडी है. कहाँ से कहाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. तो फ्लैटेंड तो पता होता है सबको, ये नहीं पता होता कि फ्लैटनेस किस एक्सिस में है, डॉर्सो वेंट्रल है या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. याद रहेगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. और बेटा इनकी खास बात, अब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो यार. वहां तक था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बढ़ जाओ आगे आ जाओ. इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, दे आर गोइंग टू हैव ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री सबसे पहले इन्हीं के पास आई थी, दे आर द फर्स्ट bilateral symmetry, ठीक है. They are the first triploblastic. वो होते हैं ना कुछ बच्चे जो हर क्लास में फर्स्ट आते हैं, नर्सरी से लेकर क्लास टेंथ तक फर्स्ट आते हैं. आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे, देर आर मेनी किड्स हु नेवर मैनेजेस टू गेट सेकेंड पोजिशन, दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप, है ना. कुछ बुक वर्म होते हैं, घुसे रहते हैं अपनी बुक्स में. सो ये भी बिल्कुल वैसे है, मोस्ट ऑफ द चीज़ों में फर्स्ट आ रहे हैं. सिमेट्री में देख लो पहले नंबर पे है, फर्स्ट बायलेटरल. आप नंबर ऑफ जर्म लेयर्स में देख लो पहले नंबर पे है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, प्लैटीहेलमिन्थीस. आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट आ रहे हैं नर्सरी से लेकर अब तक ग्यारहवीं तक फर्स्ट आ रहे हैं, है? आप में से तो बेटा कोई ऐसा नहीं है, बताओ बताओ बताओ. यस, हाँ, टॉपर बच्चे. ये कौन है बच्चे, टॉपर बच्चे है ये, दे आर एक्चुअली द टॉपर बच्चे. हाँ जी, यहीं पर हम बात करते हैं सिलोम की. इनके पास अभी कोई सिलोम नहीं आई, दे आर ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, ठीक है. क्योंकि मीजोडर्म तो है लेकिन कैविटी नहीं है. लेकिन बेटा इनकी बॉडी की जो वॉल है ना, आउटर वॉल एंड इनर वॉल, उसके बीच में देर इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेस फिल करने वाले सेल्स प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमा विच इज ऑल्सो अ यूएफ. ये क्या है बेटा, इनका यूनिक फीचर है कि इनके पास क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है. नेक्स्ट थिंग, दे यूजुअली हैपन टू बी द एंडोपैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. मोस्टली बच्चे क्या है ये, एंडोपैरासाइट्स हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं एज अ पैरासाइट. जैसे फेशियोला हो गया, आपका टीनिया हो गया, ये सब क्या है, बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं. लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, देयर इज अ फ्री लिविंग टेरिस्ट्रियल प्लैटीहेलमिन, जिसको पता है वो बता सकता है, एक फ्री लिविंग भी है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया. क्या नाम है बेटा उसका, प्लेनेरिया, और इट इज कॉल्ड एज ड्यूगेसिया, ठीक है. सो इट इज अ फ्री लिविंग प्लैटी हेलमेंट, राइट बच्चों, फ्री लिविंग प्लैटी हेलमेंट. अब सिंस ये पैरासाइट है तो इनके बॉडी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो पैरासिटिक हो, है ना, कुछ तो बॉडी में स्पेशल होना चाहिए जिससे ये होस्ट की बॉडी के अंदर बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाए. सो देयर पैरासिटिज्म इज सपोर्टेड बाय, क्या है इनके पास, सबसे पहली चीज इनके पास प्रेजेंट है हुक्स. हुक्स क्या करेंगे, अटैच होने, ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर है जो होस्ट की बॉडी से अटैच होने में हेल्प करता है. सेकंड स्ट्रक्चर बच्चे जो पैरासिटिज्म को सपोर्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ सकर्स. क्या है सकर्स, सकर्स एंकरेज में भी हेल्प करते हैं और होस्ट की बॉडी की वॉल से ब्लड, लिम्फ, इन सब को सक करने में, खींचने में हेल्प करेंगे. सो दे ऑल्सो हैव गॉट सकर्स, ये भी इनका एक तरीके का अडेप्टेशन है, पैरासिटिक अडेप्टेशन है. अनदर पैरासिटिक अडेप्टेशन, कि यार इनकी बॉडी के बाहर ना बड़ी थिक लेयर है ताकि इनको फर्क ना पड़े कि होस्ट की बॉडी कौन से एंजाइम, कौन सा एसिड सिक्रीट कर रही है, और ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाए. सो दे हैव गॉट थिक टेग्यूमेंट, बॉडी की कवरिंग बहुत थिक है. चौथा और आखिरी अडेप्टेशन इज दैट दे कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ठीक है. दे कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी में से सामान, डाइजेस्टेड सामान, एब्जॉर्ब सामान डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये चारों चीजें फायदे की हैं कि नहीं है. यस बेटा,
चारों चीजें मिस्टर रवि तेजा फायदे की हैं कि नहीं है? ये तेजा तो यस एक मूवी में भी था, बहुत फेमस डायलॉग भी था, नाउ आई एम फॉरगेटिंग दैट, बट एनीवे तो ये चारों चीजें इनकी पैरासिटिक अडेप्टेशन है। अब चलते हैं इनके सिस्टम्स पे। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनके पास भी क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए बेटा इनकी बॉडी में प्रेजेंट है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल। क्या बोला जाता है इनको, फ्लेम सेल। ये देखो इस तरीके से सेल है जिसमें बहुत सारे सीलियां हैं, ये सारे मैं क्या बना रही हूं, दीज ऑल आर सीलिया, यस सो दीज ऑल आर सीलिया, और इसके बाहर मिलती है लाइनिंग विच इज अमीबॉइड लाइनिंग। सो इस तरीके के सेल्स दे आर प्रेजेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सक्रीशन। ये सवाल मुझे नहीं याद कि कितनी बारी आ चुका है, मतलब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन इज कमिंग कमिंग कमिंग, आस्किंग आस्किंग आस्किंग। बच्चों याद कर लो, प्लैटी हेलमिंथीज की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए है बत्ती की तरह सेल, जैसे होते नहीं कैंडल की फ्लेम, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका जो सीलिया है ना वो बिल्कुल ऐसे कैंडल की फ्लेम की तरह मूव करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ जी इसका एक दूसरा नाम भी है। बेटा शाबाश, तुम तो क्लास में आए थे फिर तुम वही सवाल पूछ रहे हो, मैंने तुम्हारे आज डाउट भी सॉल्व किए। याद करो, मुझे लग रहा है तुम्हारे हिप्पोकैम्पस में थोड़ी दिक्कत चल रही है ना। याद करो कि सुबह तुम क्लास में आए थे, टाइम याद करो, है ना, आई रिमेंबर तुम क्लास में आए थे। यस, फ्लेम सेल ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेनोसाइट्स, सेलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। और क्या नाम है इनका, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नेक्स्ट चलते हैं बेटा इनके नर्वस सिस्टम पे। देखो देयर वाज ओनली वन फाइलम जिसके पास नर्वस सिस्टम का एक भी सेल नहीं था, एक ही फाइलम था, पहला नंबर, दैट इज पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा ही था बच्चे जिसके पास एक भी सेल नर्वस सिस्टम का नहीं था। इनके पास तो है, इनके पास तो है, देख ले जरा कैसा नर्वस सिस्टम है। ये देखो ये मैम क्या बना रही है, फ्री लिविंग प्लैटी हेलमिंथ, दिस फ्री लिविंग प्लैटी हेलमिंथ इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया। जब हमने इस प्लैटी हेलमिंथ को खोल के देखा तो क्या मिला, देयर वॉज अ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड विच इज अटैच्ड बाय ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड। तो बड़ी सारी अपने को नर्व कॉर्ड मिली, दो लॉन्गिट्यूडनल और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं बाय ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, जैसे स्टेयर्स नहीं होती जिसको तुम क्या बोलते हो, जीना बोल लो, स्टेयर्स बोल लो, है ना। सो ये बिल्कुल वैसा नर्वस सिस्टम है। सो दिस इज कॉल्ड एज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, है ना, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा, प्लैटी हेलमिंथ में मिलेगा, बिल्कुल बेटा स्टेप वाइज वाला नर्वस सिस्टम है, स्टेप वाइज। अब बात करते हैं, हाँ जी, टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स जिसकी वजह से सीढ़ियों जैसा अपीयरेंस आता है, इट इज कॉल्ड एज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं यार इनके सेक्सेस की, वेदर द बॉडी हैज बोथ द सेक्सेस या फिर अलग अलग सेक्सेस है अलग अलग बॉडी में। सो टॉकिंग अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मोस्ट ऑफ द प्लैटी हेलमिंथीज दे आर एक्चुअली हर्मेफ्रोडाइट। क्या होते हैं बेटा प्लैटी हेलमिंथीज, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है, बायोलॉजी बेटा इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शंस है इसमें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्किस्टोसोमा, ठीक है, जो कि स्किस्टोस्टोमा, जो कि बच्चे क्या है, हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सो दे कैन परफॉर्म बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल तो बेटा आपने देख ही ली है ना, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख ली है कि ये जो आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, यस,
टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इवन देन ईच एंड एवरी पार्ट कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लेन एरिया बिकॉज दे शो रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन. क्या शो करता है बच्चों प्लेन एरिया? प्लेन एरिया, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेन एरिया एंड प्लेन एरिया शोज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन. यस गाइज, कैसी प्रॉपर्टी है इनकी? रीजेनरेशन वाली है. बाइनरी फिशन भी शो करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की. राइट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉट ओनली वन, देयर आर मेनी लार्वाज. कई बार तो एक में पांच पांच छह छह लार्वा चल रहे हैं. ठीक है, तो क्लियरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. राइट, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं लिखूंगी नहीं, एग्जाम्पल तुम लोग पहचानोगे, मैं ड्रॉ करूंगी. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एग्जाम्पल. नाउ यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म जो मैं यहां पर बनाऊंगी. यस, बता दो बच्चे ये मैम ने क्या बनाया है. वास बना दी है. अब इसमें पौधा रखें, प्लांट्स रखें बेटा. यस, बता दो क्या बनाया मैंने. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, कम ऑन गाइज, कम ऑन. यस, एंकरेज अलीजन, एंकरेज इज देयर फंक्शन. क्या बनाया मैंने? वॉट हैव आई ड्रॉन? दिस इज एग्जाम्पल विच इज आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है. दिस इज बेटा लिवर फ्लूक. क्या है ये? लिवर फ्लूक मतलब ये प्रेजेंट होगा होस्ट की लिवर में या फिर बाइल डक्ट में. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज फेशियोला. फेशियोला, ठीक है. सो यहां पर क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो दिख रहा है ओरल सकर, ओरल सकर. दिस वन इज बेटा वेंट्रल सकर. एंड वेंट्रल सकर के ऊपर क्या दिख रहा है? दिस इज कॉमन जेनाइटल पोर, कॉमन जेनाइटल पोर, है ना. और क्या दिख रहा है? देयर इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटरी पोर. डिड यू गेट दिस? सो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लैटी हेलमिंथ का एग्जाम्पल है. यस बेटा, एक और बनाने वाली हूं, उसको पहचानना. अब नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज बेटा दिस एग्जाम्पल, पहचानो. वाह, कितना मजा आ रहा है ड्रॉ करने में. देख रहे हो बच्चों ब्यूटी इसकी, कैसे लंबा सा वर्म है. यस, पहचान लिया? नेम दिस वर्म, नेम दिस वर्म गाइस. दिस इज हां जी, क्या नाम है इसका? टेप वर्म. तीर्थादीप विद द राइट आंसर. इसका नाम है बेटा टीनिया, टीनिया सोलियम, विच इज एक्चुअली पॉक टेप वॉर्म. क्योंकि इसका एक होस्ट कौन है? पिग है, मसल्स ऑफ पिग. सो दिस इज पॉक टेप वॉर्म, जिसमें आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये स्ट्रॉबिला प्रेजेंट है, जो ऐसे गोल गोल दिख रहा है. दीज आर द स्ट्रॉबिला. दिस रीजन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्कॉलेक्स. स्कॉलेक्स के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? रोस्टेलम. ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड्स. पहले जब हम डिटेल में पढ़ाते हैं क्लास 11th को, हम इसका लाइफ साइकिल भी कराते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला, दोनों क्या है? डाइजेनेटिक पैरासाइट है, जिनकी लाइफ में दो दो होस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक. लिवर फ्लूक की लाइफ में भी दो होस्ट हैं. ठीक है, आपके टीनिया की लाइफ में भी क्या है? दो होस्ट प्रेजेंट है. तो ये लाइफ साइकिल बेटा अब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खैर नहीं पूछा जाता. डायरेक्ट क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी. पुरानी एनसीईआरटी में ये सब होता था. ठीक है, तो वैसे मैंने अपने प्लस कोर्स में, स्पेशल क्लासेस में आपको ये सारी चीजें और नीट लाइफ डेली 2.0 में ये सब आपको चीजें करा रखी हैं. यस बेटा, चले आगे. टीनिया सोलियम एज वेल एज टीनिया सैजिनेटा. सो विद दिस बच्चों, वी आर डन विद प्लैटी हेलमिंथीज एज वेल. क्या कर लिया बेटा हमने? प्लैटी हेलमिंथीज कर लिया. आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइलम. हां जी, अगला फाइलम आपका रहेगा एसके हेलमिंथीज. वैसे तो असेक होना चाहिए बच्चों. एसके हेलमिंथीज, ऑल्सो कॉल्ड एज निमैट हेलमिंथीज. निमैट हेलमिंथीज,
और क्या नाम है बच्चे इसका? एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेमेटोडा, नेमेटोडा। यस गाइस, एसके हेलमिंथीज, नेमैट हेलमिंथीज एंड नेमेटोडा। यस, हाँ जी, चलिए आ जाइए। सो दिस इज दैट फाइलम इन विच देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन एडवांसमेंट देन द प्लेटी हेलमिंथीज। कुछ कुछ चीजें एडवांस है, लेकिन जब हमने इसकी बॉडी को देखो, है तो ये भी वर्म, क्या है, कीड़े ही है। हेलमिंथ का क्या मतलब होता है? वर्म्स, वेन यू विल कट द बॉडी ऑफ द वर्म, आपको ऐसा राउंड दिखेगा। आपने वर्म को कट किया और द क्रॉस सेक्शन दैट यू आर सींग इज राउंड, ठीक है। सिंस इनका क्रॉस सेक्शन क्या है? राउंड बेटा, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? राउंड वर्म्स बोलेंगे। ओके, असेक हेलमिंथीज, दीज आर एक्चुअली राउंड वर्म्स। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस बच्चे, अब थोड़ा एडवांस हो जाओ। दे आर गोइंग टू हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये भी क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनकी भी सिमेट्री कैसी होगी? अब बायलेटरल होगी, बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा ये बताओ, सिलोम कैसी होगी? सिलोम कैसी होगी? यस गाइस, इनकी सिलोम कैसी होगी? हाँ, अनसेगमेंटेड तो है ही, सेगमेंटेड तो क्योंकि वही है ना, आग लगा दो, आग लगा दो, तो ए ए सी है ना, एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। यस बिल्कुल, सिलोम कैसी होगी? ए सिलोमेट से एक नंबर ऊपर। दिस इज गोइंग टू हैव स्यूडोसिलोम। कैसी होगी इनकी सिलोम? दे हैव गॉट स्यूडोसिलोम विच इज कॉल्ड एज फॉल्स सिलोम। मीजोडर्म है, लेकिन मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बॉडी में बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है असेक हेलमिंथीज में तो इसी पर आता है। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, ये पहले नंबर पे आते हैं, ये भी फर्स्ट आए हैं। किस में आए हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो दे हैव गॉट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब दो ओपनिंग्स होंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास सामान है। दे हैव गॉट प्रॉपर एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर। नेक्स्ट इज बेटा, एक्सक्रीटरी पोर के साथ इनके पास स्पेशल एच शेप सेल्स भी हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स। So these are special H-shaped cells responsible for excretion in case of SK helminthes. बिल्कुल। अब इन्होंने क्या करना है बेटा? Move करना है। कीड़ा है, worm है, movement के लिए it would require muscles, है ना? Muscular structure होंगी। There are going to be circular muscle in their body. So they have a very unique feature. Unique feature is the presence of muscular pharynx. क्या प्रेजेंट होगा बच्चे इनके पास? मस्कुलर फेरिंग्स। एक तो ये यूनिक फीचर है। सेकंड यूनिक फीचर बेटा, कि इनकी बॉडी की वॉल के ऊपर ना, क्यूटिकल के ऊपर, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड वॉल, जिसको आप बोलते हो सिंसिशियल एपिडर्मिस। इनका एपिडर्मिस भी क्या होगा? सिंसिशियल एपिडर्मिस। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल बेटा ऑफ दिस फाइलम, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिक एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एस्कैरिस। हाँ जी, आ जाओ, ड्रॉ कर लें एस्कैरिस। सो टॉकिंग अबाउट एस्कैरिस, एस्कैरिस कौन है? एस्कैरिस बेटा एक बहुत ही फेमस वर्म है जो डिजीज कॉज कर सकता है, एस्कैरियासिस। हमारी बॉडी के अंदर अगर एंट्री कर लेता है तो पूरी बॉडी को छान मारता है। इसको पता है क्या? वर्ल्ड टूर करना बहुत पसंद है। एक बार ये घुस गया, इसको होस्ट मिल गया, तो भाई कहाँ कहाँ नहीं जाता। इंटेस्टाइन में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो वो सोचते हैं कि यार मैं बॉडी में आया हूँ तो मैं जगह क्यों छोड़ गई हूँ, मैं सब सब देख के आऊँगा, सब कुछ घूम के आऊँगा। होते हैं ना, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट। एक टूरिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं सुकून से रहने आया हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, देर आर मंकी पॉइंट, ये पॉइंट, हाई पॉइंट, मुझे नहीं देखना, मुझे बस बालकनी में बैठ कर नज़ारा देखना है। लेकिन कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं, पहुँचेंगे सुबह सुबह, चलो 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 जल्दी सारे पॉइंट देखने हैं मुझे, चार पॉइंट टैक्सी वाले ने बताया, चारों के चारों देख के आऊँगा, नहीं तो शहर से नहीं जाऊँगा। सो ही इज़ लाइक टूरिस्ट नंबर बी, कि सब कुछ देख के आऊँगा, बॉडी में आया हूँ तो सब कुछ घूम के जाऊँगा। यस बच्चे,
यस, तो ये बॉडी में आता है, सब कुछ घूम के जाता है. तो एस्कैरिस को देखें तो मेल एस्कैरिस जो है इट लुक्स लाइक दिस, छोटा सा होता है और ऐसे कॉइल्ड बॉडी होती है. यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल एस्कैरिस, जिसके पास बेटा यहां पर माउथ होगा. देयर इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटरी पोर एज वेल, एक्सक्रीटरी पोर. ठीक है, यहां पे कॉपुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, देयर इज गोइंग टू बी पीनियल सीटे एंड देयर इज गोइंग टू बी कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ अनडाइजेस्टेड मैटर एंड गैमीट्स. सो देयर इज गोइंग टू बी क्लोइकल अपर्चर व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोइका, राइट. दूसरी जगह हमने जब फीमेल एस्कैरिस को देखा, ये तो क्या है, मेल एस्कैरिस है. जब हमने फीमेल एस्कैरिस को देखा तो यार फीमेल तो बड़ी स्मार्ट निकली, मेल से भी ज्यादा स्मार्ट है ना. तो फीमेल की बॉडी कैसी थी, एक तो लंबी थी, शी वॉज टॉल, और आजकल तो वैसी ट्रेंड है, फीमेल्स आर टॉल, है ना. एंड बच्चों स्ट्रेट थी, कोई कॉइलिंग नहीं थी. तो जो मेल है वो है शॉर्ट और क्या है, कॉइल्ड, जबकि जो फीमेल है वो क्या है, स्ट्रेट है ना, और क्या है बेटा, लॉन्ग है. यस, इसके पास भी प्रेजेंट होगा माउथ. यस, इसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, देयर इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटरी पोर. एंड इसके पास यहां पे क्लोइका नहीं, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एनस, और यहां पर एक गोनोपोर. तो यहां से आपको पता चला कि आप वर्म को सामने से देखकर बता सकते हो कि ये फीमेल है या फिर बेटा ये क्या है, मेल है. सो दिस प्रॉपर्टी वेयर यू कैन रिकॉग्नाइज वेदर इट इज फीमेल और मेल, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यस, जो ह्यूमन बींग्स में भी तो है, ह्यूमन बींग्स को भी तो सामने से देख के पहचान जाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है. यस बच्चे, ठीक है, ठीक है. तो एस्कैरिस बच्चे, एस्कैरिस बिलोंग्स टू असेखेलमिंथीज, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है. प्लस बेटा जो एस्कैरिस होता है वो बॉडी के अंदर जाकर डिजीज कॉज कर सकता है, जिसको बोलते हैं एस्कैरियासिस. सो द डिजीज दैट इट कैन कॉज इज एस्कैरियासिस. यस, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट, मोनोजेनेटिक है, इसकी लाइफ में एक ही होस्ट होता है, दैट इज ह्यूमन बींग का स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर एग्जांपल्स ऑफ असेखेलमिंथीज एज वेल, कुछ और एंडोपैरासाइट्स पे, जैसे मैं आपको एक बताऊं, वन इज कॉल्ड एज वुशरेरिया. वुशरेरिया, ठीक है, वुशरेरिया क्या है, वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टाई. वुशरेरिया इज एक्चुअली फिलेरियल वर्म. ये क्या कॉज कर सकता है, ये कॉज कर सकता है हाथी पांव, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस बच्चे कॉज कर सकता है, जिसमें जो लोअर लिम्स हैं वो एलिफेंट लाइक हो जाते हैं, लेकिन इसको वेक्टर चाहिए होता है बीच में ट्रांसफर करने के लिए. एंड द वेक्टर यूज्ड इन केस ऑफ एलिफेंटियासिस बाय दिस वुशरेरिया इज अ मस्कीटो, दैट इज फीमेल क्यूलेक्स. सो वुशरेरिया क्या कॉज करता है, याद रखेंगे, इट कैन कॉज एलिफेंटियासिस, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलेरियासिस. एंड यहां पर जो वेक्टर यूज हो रहा है वो है बच्चों फीमेल क्यूलेक्स. कौन सा वेक्टर है, फीमेल क्यूलेक्स. हाँ बिल्कुल, फिल्म, एक तो तुमने अपना नाम ऐसा रखा हो, फिल्मी एंटरटेनमेंट, ऐसे कैसे नीट क्रैक करोगे, जब फिल्में ही देखते रहोगे और एंटरटेनमेंट करते रहोगे तो यार एंटरटेनमेंट तो त्यागना पड़ता है. आज मेरा एक सेशन आने वाला है, माय सेशन इज गोइंग टू कम, कि नीट के लिए क्या नहीं करना है, इट विल बी लाइव एट 5:30, मतलब इस सेशन के खत्म होने के आधे घंटे के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है. तो उसमें मैंने एक चीज़ यही बताई है कि एंटरटेनमेंट नहीं करनी है बच्चों, है ना, एंटरटेनमेंट नहीं करनी है. Yes, चंदना, my class will be daily at same time, that is 3:30 PM. आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो क्यों नहीं करते यार, अनअकैडमी फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको सारी नोटिफिकेशन आएगी कि मैम की क्लास कब कब होती है. YouTube पे डेली 3:30 होती है, स्पेशल क्लास में डेली 6 PM और सुबह 10 बजे होती है, और प्लस क्लास में अपनी 11 बजे क्लास होती है. Yes, चलिए आ जाते हैं. सो दिस वॉज अबाउट एस्कैरिस. एस्कैरिस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेल के पास ना सिर्फ क्या होता है, एक तो छोटे हैं वो, और क्या है, मेल के पास देयर इज ओनली वन टेस्टिस,
फीमेल लंबी भी है, तो फीमेल के पास बच्चों देर इज टू ओवरीज, देर आर टू ओविडक्ट, देर आर टू यूट्रस, तो यार मेल के पास सिंगल टेस्टिस है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनार्किक मेल। कैसे हैं एस्कैरिस के मेल, चल जा भाई, यस मोनार्किक। मोनार्किक का क्या मतलब होता है, दे हैव सिंगल टेस्टिस, लेकिन फीमेल्स तो यार लंबी हैं, स्ट्रेट हैं, थोड़ी एडवांस्ड है ना, दे आर डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक, डाइडेल्फिक का मतलब होता है देर आर टू ओवरीज, दो ओवरीज होंगी, दो यूट्रस भी होंगे और दो ओविडक्ट भी होंगे। तो मेल के पास बच्चे सिर्फ एक ही टेस्टिस है और फीमेल के पास यहाँ पर दो दो ओवरीज, दो दो ओविडक्ट प्रस्तुत हैं। यस बेटा, तो ये एग्जांपल रहेगी आपकी एसेक हेलमिंथीज की। देयर इज वन मोर एग्जांपल, दैट इज एनकाइलोस्टोमा। Ankylostoma, which is called as hookworm. अभी जो hookworm है ना, Ankylostoma है, ये पाया जाता है गंदगी में, yes, मिट्टी में। अगर आप गार्डन में मान लो नंगे पैर चले जाते, तो गार्डन में जो नीचे घास होती है, नीचे जो मिट्टी होती है, वहां पर इसके लार्वे पाए जाते हैं। और अगर बच्चे आप चल रहे हो नंगे पैर उस गार्डन में, ठीक है, तो दे कैन ट्रैवल टू योर बेयर फुट एज वेल, और अंदर जाकर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज हुकवॉर्म और बच्चे एनकाइलोस्टोमा। सो ये बच्चों मतलब बोर करके, छेद करके आपके स्किन में से आपके अंदर घुस सकते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कहीं भी आप पब्लिक स्पेस पे जाते हो, एनी स्पेस, ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग प्रॉपर चप्पल। हाँ, अपने फुटवियर्स अच्छे से पहन कर ही जाया करो, नंगे पैर घूमो, लेकिन अगर आपको श्योरिटी है कि एक जगह क्लीन रहती होगी तभी घूमो, अदरवाइज ऐसे पब्लिक स्पेस पे डोंट वॉश, डोंट यू नो वॉक बेयर फुट। सो दे कैन बोर थ्रू द स्किन, दे कैन बोर थ्रू द स्किन ऑफ योर फीट। यस बेटा, देन देयर इज वन मोर वर्म विच इज कॉल्ड एज पिन वर्म, है ना, पिनवर्म। और भी है बच्चे, आपका आई वर्म आंखों को खराब करता है, विच इज लोआ लोआ, लोआ लोआ, ऐसे लग रहा है गाना गा रहे हैं, लोआ लोआ। सो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके एसके हेलमिंथीज की। किसकी एग्जाम्पल है बेटा, बिल्कुल एंटरोबियस, दैट इज पिनवर्म, ऑक्सियूरिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटरोबियस और ऑक्सियूरिस। देन बच्चों यूजुअली ये ओविपेरस होते हैं, बट देयर इज वन एसके हेलमिंथीज विच इज विवीपेरस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। विवीपेरस एसेक हेलमिंथीज इज ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लो तुम स्टार, चार सितारे, है ना, चार सितारे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट फाइलम इज गोइंग टू बी एनिलिडा, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम कौन सा रहेगा आपका, एनिलिडा। एनिलिडा का नाम एनिलिडा क्यों पड़ा, एनिलिडा का नाम एनिलिडा क्यों पड़ा, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट थे, है ना, इन रिंग्स को क्या बोला जाता है, एन्यूलस बोला जाता है, ठीक है, मतलब इसकी बॉडी में क्या है, सेगमेंट्स हैं, बॉडी इज सेगमेंटेड, विच इज द यूनिक फीचर नॉट ओनली ऑफ दिस टू अदर फाइलम ऑल्सो, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एनालिडा, बिकॉज बेटा इनकी बॉडी में क्या है, सेगमेंटेशन, और कैसी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, द काइंड ऑफ सेगमेंटेशन विच इज प्रेजेंट इन एनालिडा is going to be metameric segmentation। और बेटा ये जो आपके annelids हैं, ये पानी में भी पाए जाते हैं, that means they are aquatic। aquatic में जैसे मैं आपको बताऊं, there is one marine water annelid which is called as nereus, ठीक है, which is found in marine water। then बेटा there are terrestrial also, वो जो छोटे छोटे उसमें आते हैं ना, बारिशों में बाहर आते हैं, दे आर अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म इज गोइंग टू बी द टेरेस्ट्रियल एनिलिड। ये बात हो गई एनिलिडा के बारे में। और बेटा इनकी क्या खास बात है, एनिलिडा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, ये फर्स्ट किसमें आया, ये भी बेटा फर्स्ट आया हुआ है, आप बता सकते हो किसमें फर्स्ट आया एनिलिडा, एनिलिडा किसमें फर्स्ट आया, देखो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा,
दूसरी चीज बच्चों, इसके पास क्या प्रेजेंट होगी? बायलेटरल सिमेट्री। ये सब सेम होगा, आप दोबारा दोबारा लिखने का वैसे बनता नहीं। बायलेटरल सिमेट्री। और क्या प्रेजेंट होगा इसके पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हाँ जी, ये दो चीजों में फर्स्ट आया बेटा। हाँ जी, पहली चीज जिसमें ये फर्स्ट आया है, दैट इज वेरी नाइस। एक बच्चे ने ठीक आंसर दिया है, आई गेस इट इज हूर, दैट दिस इज द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट। सबसे पहले ट्रू सिलोम किसके पास आई? एनेलिडा के पास आई। अब तक तो फॉल्स ही चल रही थी ना, या तो ए सिलोमेट थे या फिर फॉल्स थे। फर्स्ट ट्रू सिलोम एक और कैटेगरी में फर्स्ट आया है, दैट इज बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज फर्स्ट वन टू हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया गया है? एनेलिडा में ही पाया गया। तो ये दोनों चीजें आप एनेलिडा के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट बेटा? फर्स्ट वन टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यार तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इतना मजा करते हो तुम क्लास में आगे, खूब बातें भी करते हो, सब देख रही है मैम, लेकिन तुम सेशन को लाइक नहीं कर रहे। फास्टली लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीन चीजें। सब्सक्राइब करा हुआ है तो एक ही बार दबाना, दोबारा नहीं दबाना। नहीं किया तो लाइक और शेयर तो क्या करो, है ना बच्चे? यस गाइस, कम ऑन कम ऑन, फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं बाकी सिस्टम्स के, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं यहां पर लिख लेती हूँ किन के पास भी पिगमेंट प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है लेकिन हीमोग्लोबिन होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होते, ठीक है? सो दे हैव एरिथ्रोक्रोनिन, दो तरीके का हो सकता है, देयर कुड बी एरिथ्रोक्रोनिन और बेटा देयर कुड बी हीमोग्लोबिन, बट देयर आर नो आरबीसीज। ये आप याद रखना अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। देन मूविंग ऑन टू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट, है ना? कैसा होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी चीज बच्चे, एक्सक्रीशन। अगर वो सब प्लैटी हेलमिंथ फ्लेम सेल से कर रहे थे, एसेक हेलमिंथ इज रेनेट सेल से कर रहे थे, ये एक्सक्रीशन कैसे करेगा? इसके पास भी एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल इंतजामात हैं। क्या इंतजामात हैं इसके पास एक्सक्रीशन के लिए? इसके पास अरेंजमेंट है, दे हैव गॉट द कॉइल डक्ट विच इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। इनके पास क्या प्रेजेंट है? Coiled duct which is called as nephridia. So ये बहुत important है कि earthworm में excretion के लिए क्या present होगा? Coiled duct which is called as nephridia. Then moving on to their locomotion guys. एक जगह से move, दूसरी जगह move कैसे करेंगे? अलग अलग structure के पास अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें parapodia की, if we talk about parapodia, sorry nereus, नीरिस के पास क्या प्रेजेंट है? नीरिस एक एक्वाटिक एनालिड है, उसके पास पाया जाता है पैरापोडिया। देन बच्चे बात करो अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म के पास क्या पाया जाता है? काइटिनस सीटे। क्या पाए जाएंगे बच्चे? काइटिनस सीटे। अच्छा, इसमें सिर्फ नीरिस, सिर्फ अर्थवॉर्म ये नहीं है, देयर इज वन एक्सेप्शनल क्लास ऑल्सो, दैट क्लास कंसिस्ट ऑफ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, ब्लड सकिंग वर्म्स विच आर कॉल्ड एज हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया को मैंने क्या बोला? वो एक तरीके का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है मेजरली? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। यूजुअली आपके एनेलिडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया का सिस्टम क्लोज्ड नहीं होता है, क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हिरुडिनेरिया कौन है? इट इज ब्लड सकिंग लीच गाइज, इट इज ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच है। क्या करती है? ब्लड को चूसती है। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टो पैरासाइट, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये एक्टो पैरासाइट है और ब्लड को सक करती है। एक्चुअली ना इसके सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंटीकोएगुलेंट रिलीज करते हैं विच इज कॉल्ड एज हिरुडिन, जिसकी वजह से आराम से ब्लड को सक कर सकती है, तो क्लॉट भी नहीं होगा वो चीज, बिकॉज इसके पास एंटीकोएगुलेंट है एंड बच्चे सारा न्यूट्रिएंट्स उसी सक किए हुए ब्लड और लिम्फ में से गैदर करती है। सो दिस इज हिरुडिनेरिया, याद रखेंगे? यस बेटा, डन। चलिए, सो लोकोमोशन की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। नीरिस के बारे में एक चीज और है, इसका पैरापोडिया नो डाउट लोकोमोशन में हेल्प करता है, प्लस पैरापोडिया आल्सो हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ नीरिस।
ठीक है, रेस्पायर करने में भी हेल्प करेगा। अब अगर अर्थवर्म ने मूव करना है तो एक तो कैसे मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स सीटे, दूसरा कैसे मूव करेगा बच्चों, इसके पास भी मसल्स हैं, इसकी बॉडी वॉल के पास क्या है, मसल्स हैं, इसके पास क्या है, सिलोमिक फ्लूइड है, जिसकी हेल्प से, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से, जिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट से इस वर्म की बॉडी क्या होगी, आगे खिसकती जाएगी। यस बेटा, यस। चलिए, एक्सक्रीशन डन, लोकोमोशन डन, नर्वस सिस्टम देख लो, नर्वस सिस्टम। हाँ जी, नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू हैव डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कैसा होगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी बच्चे रिप्रोडक्शन। ऑर्थ्रोपोडा बच्चे लार्जेस्ट फाइलम है, तुम टेंशन मत लो, आज नहीं पूरा होगा ऑर्थ्रोपोडम, कल कर लेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कल तो आपका टेस्ट है मंथन का, तो कल तो क्लास नहीं होगी, कल सुबह 9 बजे क्लास होगी उसकी, एनसीईआरटी मैराथन ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कोई बात नहीं, ऑर्थ्रोपोडा हम कर लेंगे अपनी फ्यूचर क्लास में, दैट वुड बी ऑन संडे। तो रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो यार अर्थवर्म की बॉडी के अंदर, वैसे तो अर्थवर्म डिटेल में भी दिया हुआ है उस एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, बट हम उसको इतना पढ़ते नहीं है बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है आपके, एनसीईआरटी में दिया हो तो लास्ट में जरूर देखेंगे। सो अर्थवर्म बच्चे क्या है, एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स भी है, फीमेल सेक्स भी है, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली हर्मेफ्रोडाइट। क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है, बट अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो डायोशियस है, इसमें मोनोशियस नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी नीरिस। नीरिस क्या है, नीरिस इज डायोशियस। यस गाइस, नीरिस क्या है, नीरिस इज डायोशियस। ओके, एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। यस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, लेट मी शो यू गाइस समथिंग, थोड़ा सा इंतजार। ये देखो भाई, क्या है ये, कौन है ये, दिस इज टीनोफोरा, है ना। अब मुझे बताते जाना ये चीज तुमने कर ली कि नहीं कर ली, सब बच्चे बताते जाना। ये देखो टीनोफोरा क्या नाम है, वॉलनट्स है, कूम जेलिस है, है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, 8 मीडियनली अरेंज्ड कूम प्लेट्स है। क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस करते, कर रहा हुआ है कि नहीं कर रहा हुआ है, यस 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 बोलते जाओ। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय ओनली सेक्सुअल मींस, एग्जांपल क्या है, प्लूरोब्रेकिया, एंटीनोप्लेना, बीरोई सिस्टम, सेस्टम, हॉर्मिफोरा, सब इसी के एग्जांपल है। डायग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और मैच द फॉलोइंग यहां से बनेगा, एक एक लाइन में बेटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका प्लैटीहेलमिंथीस, कौन है ये, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटवर्म्स है, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिक है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, ठीक है, फर्स्ट टाइम एसिलोमेट हमने इसी को बोला। पैरासिटिक अडेप्टेशन देखो बेटा, सकर्स, होक्स, टेग्यूमेंट एंड बॉडी से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करना, है ना, तो ये सब इनको हेल्प करते हैं पैरासाइट बनने में, क्योंकि एंडो पैरासाइट है। फ्लेम सेल्स है इनके पास जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी बेटा, इंटरनल होगी, एंड बच्चे सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे और एक से ज्यादा लार्वा होंगे, एग्जाम्पल टेपवॉर्म एंड लिवर फ्लूक। देन एसके हेलमिंथीस की जो क्या शो करते हैं बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये छुटकू सा जो नीचे से कॉइल्ड है, दैट इज मेल, और बच्चे लॉन्ग वन, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल, है ना। राउंड वर्म्स है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग राउंड वर्म, यस, एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग राउंड वर्म इज रैबडिटिस। कौन है फ्री लिविंग, रैबडिटिस, अक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वर्म्स बच्चे, दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल, मस्कुलर फेरिंग्स होगा, स्यूडोसिलोम होगी, हर चीज आपने पढ़ी है, एक्सक्रीटरी ट्यूब भी है बॉडी में जो रिमूव करती है इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को, हमने ड्रॉ भी किया था इनके यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर, यस। सो दे आर डायोशियस, मेल्स एंड फीमेल यू कैन रिकोगनाइज फ्रॉम आउटसाइड। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होगी, एंड बच्चे डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और कुड बी इनडायरेक्ट, ठीक है, यस। चलिए, तो ये सारी चीजें कर ली, मैंने आपको क्या दिखाना था यहां पर, एनेलिडा, एनेलिडा का स्ट्रक्चर देखिए, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी, दिख रही है रिंग्स है, देर आर सर्टेन रिंग्स प्रेजेंट, और इन्हीं रिंग्स को आप क्या बोलते हो, इन्हीं रिंग्स को बच्चे बोलते हो आप एनुलस, यस। सो दिस वन इज नीरिस
एंड दिस इज द ब्लड सकिंग लीच विच इज कॉल्ड एज हिरुडिनेरिया. मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप इनको मन में बसा पाएं. इन डायग्राम्स में से कुछ ना कुछ पेपर में जरूर आएगा और हमेशा से आता रहा है. देख रहे हो इसके पास आपकी लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है. और अर्थवर्म के पास क्या है, सीटें. हिरुडिनेरिया के पास कुछ नहीं प्रेजेंट होता, नो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, राइट. साथ ही बेटा लोकोमोशन में ये तो हेल्प करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प. डन? यस बेटा, ठीक है. चलिए अब मिलेंगे बेटा हम अपनी कल की क्लास में. ऑर्थ्रोपोडा बेटा अब अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, टाइम लगेगा इसको पढ़ने में. चलिए इंसेक्ट में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये भी नहीं पूछते हैं, आंसर दो. Yes, come on. The disease filariasis is transmitted through the secondary host of Wuchereria, which is. Thank you, AM Master Teacher. हाँ जी बताओ. Answer दो. DPP का time आ गया. This DPP you are going to receive on Telegram channel. Telegram channel का link कहाँ पर मिलता है आपको? Description box में मिलता है. This is our new Telegram channel, तो join कर लो. हाँ जी, question का answer दे, जरा check करें आपको कितनी knowledge आई है आज. Disease filariasis is transmitted through absolutely option number D, Culex. लेकिन Culex में female या male? It is actually जो फैलाने वाला, disease फैलाने वाला मच्छर है वो कौन सा होता है? फीमेल होता है ना. सिर्फ कौन होता है? फीमेल क्यूलेक्स होगा. नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्किन ऑफ द फीट ऑफ द मैन. पैर में से कौन एंटर कर सकता है, स्किन में, स्किन को क्रॉस करके. इफ ही वॉक्स बेयर फुटेड इन कंटामिनेटेड सॉयल, अगर आप गंदगी में नंगे पैर चलेंगे तो कौन अंदर आ सकता है? एनकाइलोस्ट्रोमा, स्कैरिस, स्किस्टोसोमा और एंटेरोबियस. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, यस, सिक्स का आंसर, कौन अंदर आ सकता है? दैट इज गोइंग टू बी हुकवॉर्म. हुकवॉर्म कौन है बेटा? एनकाइलोस्टोमा. हां जी, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एनेलिडा, विच इज इनकरेक्ट अबाउट एनेलिडा. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोमेट. They possess both longitudinal and circular muscle which helps in locomotion, a closed circulatory system, all are monoecious and reproduction is sexual. Incorrect बताना बेटा. Come on, seventh का आंसर बताइए. आप सबको पता है ना कल सुबह 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास है जिसमें मैं एनसीईआरटी कराऊंगी, और कल मंथन का टेस्ट है, फ्री टेस्ट होता है बेटा. जिसने एनरोल नहीं किया वो डेफिनेटली जाकर एनरोल करें. हाँ जी बताओ. ओके, बिल्कुल ठीक. इनकरेक्ट कौन सी है आपकी? लास्ट स्टेटमेंट. ये तो ट्रू है, ये भी 100% ट्रू है, ये भी. दे ऑल आर नॉट मोनोशियस. एक आपको डायोशियस बताया था, एक्सेप्ट बेटा नीरिस, दैट इज सैंडवर्म, है ना, जो क्या है, डायोशियस है. तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ अक्वाटिक एनिमल्स? सर्क्युलर मसल, पैरापोडिया, नेफ्रिडिया, लॉन्गिट्यूडनल मसल. कौन लोकोमोशन में मदद नहीं करता, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई और काम है. विच वन डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन? सर्क्युलर, पैरापोडिया, नेफ्रिडिया और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. कम ऑन, एट्थ का क्या आंसर है? यस, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल मूवमेंट में हेल्प करती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी. पैरापोडिया हमने देख लिए, अपेंडेजेस हैं बॉडी के नीरिस के बाहर जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं. इट इज एक्चुअली नेफ्रिडिया गाइस, जो सिर्फ किस में हेल्प करता है आपको, एक्सक्रीशन में, नॉट इन एनी अदर थिंग. सो नेफ्रिडिया, दीज आर कॉइल ट्यूब्स जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, नॉट लोकोमोशन. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड इज डायोशियस? अभी जस्ट बताया बच्चों, अब भी आपको बताया, इनमें से कौन डायोशियस है? नीरिस, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया और बोथ बी एंड सी. नाइन्थ बेटा, नाइन्थ का आंसर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस? यस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नीरिस. बाकी सब दोनों तो क्या है, मोनोशियस है. Which of the following is not a characteristic feature of phylum SK Helminthes? कौन SK Helminthes का feature नहीं है? Which of the following, just a second, is not feature of SK Helminthes? Bilaterally symmetrical triploblastic,
स्यूडोसिलोमन अनसेगमेंटेड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल और दे आर डायोशियस. कौन इसका फीचर नहीं है, ध्यान से पढ़ना है इसको. टेंथ का आंसर बताना है. नाइन्थ हो गया बेटा अंकिता, टेंथ का आंसर. यस, विच इज नॉट द फीचर. बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होते हैं, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, स्यूडोसिलोम भी होता है, अनसेगमेंटेड भी है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं बेटा. क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल. मतलब क्या ब्लाइंड से है क्या ये तो बच्चे ट्यूब विद इन ट्यूब है ना. दे आर डायोशियस बिल्कुल, है ना. सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट सो दे आर डायोशियस. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी बेटा, बिकॉज दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्चुअली कंप्लीट. सिंसिशियल एपिडर्मिस किसका फीचर है, एस्कैरिस हाइड्राटिनिया फेरेटिमा. सिंसिशियल एपिडर्मिस किसका फीचर है. देखो बेटा, अगर आपको कोई भी मंथन से रिलेटेड डाउट होता है, यू कैन कम इन माई स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस होती हैं 6 o'clock, ठीक है. अब मेरी अगली स्पेशल क्लास है कल सुबह 9 बजे, तो आप मंथन से रिलेटेड कोई भी डाउट वहां पर पूछ सकते हैं. और मंथन के टेस्ट की प्रिपरेशन मैं आपको खुद कराती हूँ. टुमारो वी आर गोइंग टू डू दैट इन आवर स्पेशल क्लास. सिंसिशियल एपिडर्मिस बेटा किस में होगी. यस बिल्कुल ठीक, ये होती है एसके हेलमिंथीज में. किस में, असेक हेलमिंथीज में. एंड द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एस्कैरिस, राइट. सो ये है आपके सारी डीपीपी इस पोर्शन की. वैसे मैंने इसमें ऑर्थ्रोपोडा भी इंक्लूड कर लिया था, बट वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में. डीबीबी के साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लो. एंड बेटा स्पेशल क्लास में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है. कितने बजे होती है, 6 बजे होती है. बट अगली स्पेशल क्लास अपनी होने वाली है टुमारो एट 9 AM. आप लोग क्या करिए, मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर. दिस इज माई प्रोफाइल. आप अनअकैडमी पर जाओगे, मेरा नाम डालोगे, प्रोफाइल दिख जाएगी. फॉलो जरूर करना, तभी नोटिफिकेशन आएगी हर क्लास की. ये इस तरीके से मैम की ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं, तो आप सीप लाइव कोड यूज करके मेरी सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं अभी डीपीपी और हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी. मंथन का टेस्ट बेटा होने वाला है कल दोपहर को 3 बजे. अगर एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कर लो, कल उसकी तैयारी भी हम लोग करेंगे. एंड वन थिंग मोर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इफ यू आर प्लानिंग देन प्लान इट अर्ली, स्पेशली फॉर 2021. अगर बेटा आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं बेस्ट फैकल्टी का, उनके एक्सपीरियंस को यूज करके अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बच्चे दिस इज द कोर्स फॉर यू, ठीक है. तो जो 2021 है वो 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स ले सकते हैं. 2022 वाले 1 ईयर, 23 वाले 2 ईयर. मैम को याद रखना, भूलना नहीं, कोड यूज कर लेना सेफ लाइफ, जिससे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा. एक तो सबका क्लास देख पाओगे, ठीक है, प्लस तुम्हें इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अनदर टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको आइकॉनिक कोच मिलता है, जो आपकी छोटी छोटी चीजें आपके लिए स्टडी प्लानर बनाएगा, टेस्ट एनालिसिस करेगा, आपको ट्रैक पे लेके आएगा, है ना, एक डंडे की तरह काम करेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें भटकने नहीं देगा. दैट इज गोइंग टू बी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर भी बच्चों आई एम अवेलेबल, आई एम वन ऑफ द पैनलिस्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आप यूज कर सकते हैं सीप लाइफ कोड, जो आपको ऑफ भी देगा और बेटा आपको सब्सक्रिप्शन लेने में मदद भी करेगा. आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, हैशटैग नीट मंथन यूज करके सब जगह फैला दो. अपने सोशल मीडिया पे अगर हो तो पॉजिटिव यूज करो, है ना. स्प्रेड दिस नॉलेज, स्प्रेड की अनअकैडमी नीट. एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको एक प्रॉपर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में फ्री कोर्स मिल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है. तो अब मिलेंगे बच्चों कल सुबह 9 बजे स्पेशल क्लास में विद द NCERT ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.